जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपकी केपी की वाणी से अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। इस नंबर पर आप संपर्क कर मामले शुल्क पर जो है जन्म कुंडली बनवा सकते हैं और विवाह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, इसके अलावा विवाह अंतर जातीय में होगा, धर्म में होगा, अपने धर्म में होगा, अपने समुदाय में होगा, किसी विशेष धर्म में होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, संतान कितनी होंगी, इसके अलावा महादशा अंतरदशा, कुंडली में किस प्रकार के योग बने हैं, कौन सी महादशा चल रही है जिस कारण आपको जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, या कब आपके जीवन का भाग्योदय होगा, चरित्र कैसा रहेगा, स्वभाव कैसा होगा, रोजगार करना या कारोबार करना सही रहेगा, किन बीमारियों का खतरा आपको हो सकता है, तो ये तमाम तरह की जानकारी आप कुंडली बनवा कर के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर 8521835670। वहीं अब आप अपने विवाह से पूर्व जन्म कुंडली का भी कुंडली मिलान करा सकते हैं और विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि इस राशि में आपको, इस वीडियो में आपको मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के साल 2024 में किस प्रकार से विवाह के योग बन रहे, किन जातकों के किन महीनों में योग बन रहे उसकी जानकारी दे दूंगा और यह जानकारी पूरी तरह से जन्मदिन पर आधारित रहेगी, तो आप जन्मदिन से भी यह जानकारी ज्ञात कर सकते। आइए बिना वक्त गवाए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ, उसके पश्चात फिर आप मेष से लेकर मीन राशि के बारे में विस्तार से। तो आठ ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है, चार शुभ ग्रह हैं और चार अशुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह के रहने पर विवाह शीघ्र हो जाती है, अशुभ ग्रह के रहने पर विवाह में बाधा होती है। तो मंगल राहु केतु शनि को अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। आइए पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो शनि जो है, अगर विवाह भाव में शनि है तो जातक के विवाह में बाधा आती है। कई जातकों की शादी 30 वर्ष के बाद होती है। घर परिवार जान पहचान या मध्यस्थ व्यक्ति के चलते विवाह में बाधा आती है। ऐसी परिस्थिति में आपको शिव जी के शरण में रहना चाहिए और शिव जी की पूजा करना चाहिए। अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो शनि का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि शनिदेव के जो आराध्य हैं वो भगवान शिव हैं और जब आप शिव जी की पूजा करते हैं शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके सभी पाप नष्ट कर देते हैं। तो अगर शनि के चलते विवाह में बाधा आ रही है तो आप शिव जी की पूजा करें, रोजाना जो है जल में काले तिल, गंगा जल में काले तिल या दूध में काले तिल मिलाकर भगवान शिव। मंगल, मंगल के रहने पर जातक मांगलिक हो जाता है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में अगर मंगल रहता है तो जातक मांगलिक हो जाता है और ऐसे जातकों के विवाह में बाधा आती है। लड़कों के लिए अर्क विवाह पूजन का विधान है, वहीं लड़कियों के लिए कुंभ विवाह का विधान है। तो आप का निवारण अवश्य कराएं, उसके पश्चात आपके विवाह के योग बनेंगे। के अलावा आप हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करें, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपको मंगल का प्रभाव कम देखने को मिल सकता है। राहु केतु, राहु के चलते विवाह में बाधा आती है तो 27 साल के बाद विवाह के योग बनते हैं। केतु के रहने पर विवाह 30 वर्ष के बाद होती है और केतु के रहने पर गुप्त शत्रु के चलते विवाह में बाधा आती है, जबकि राहु के रहने पर जो है शत्रु के चलते ही विवाह में बाधा आती है, लेकिन 27 वर्ष के बाद विवाह के योग बनने लग, केतु के रहने पर 30 वर्ष के बाद विवाह के योग बनते हैं। तो आपको करना क्या है, भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करना है, आपको जल में कूस डालकर जो है स्नान करना है, तो इससे भी जो है केतु का प्रभाव कम हो जाता है। सूर्य, सूर्य जो है शुभ ग्रह है, आत्मा के कारक है। सूर्य के रहने पर जातक को अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जातक कारोबार या करियर दोनों ही मामलों में जो है अग्रणी रहता है। तो अगर सूर्य के चलते किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो आप रोजाना जल में लाल रंग, कुमकुम या रोली मिलाकर सूर्यदेव को जल का अर्घ दें, गुलाबी वस्त्र धारण करें, इससे जो है आपके सूर्य मजबूत होंगे। गुरु जो है वो लड़कियों के विवाह के कारक होते हैं, जिन लड़कियों की कुंडली में गुरु मजबूत होता है उनके विवाह के योग शीघ्र बनने लगते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है तो आप भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करें और भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करते हैं तो गुरु मजबूत होता है। के अलावा अगर गुरु बहुत कमजोर है तो केले का दान न करें, वहीं केले का सेवन भी न करें, अपने कमरे में जो है राधा कृष्ण जी की तस्वीर अवश्य लगा
जाएगा, इसे गुरु अवश्य ही मजबूत। शुक्र जो है विवाह के कारक होते हैं, शुक्र अगर कुंडली में मजबूत है तो शीघ्र शादी हो जाती है। शुक्र लड़कों के विवाह के कारक है, तो अगर वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है तो भगवान शिव का जो है आप दूध से अभिषेक करें और यह कार्य रोजाना करें, उससे शुक्र बहुत मजबूत होता है। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करते हैं तो भी शुक्र मजबूत होते। इसके अलावा आप राधा कृष्ण जी, राम जी, सीता जी, इसी का भी आप नाम का जाप कर सकते हैं, तो इससे भी शुक्र मजबूत हो। प्राथमिक जानकारी आपको दे दूं तो अगर विवाह के लिए इन बातों का ध्यान अवश्य रखें, खासकर माता पिता जो है अपने बच्चों के विवाह हेतु जो ये जानकारी तो अवश्य अपने साथ रखें। तो विवाह के लिए जो दिन है, शास्त्रों में मंगलवार के दिन विवाह न करने की सलाह दी जाती है। अगर मंगलवार के दिन विवाह करते हैं तो शास्त्र में इस दिन का निषेध है, तो कोशिश करें कि मंगलवार के दिन का चयन न करें। वहीं शुभ दिन जो है सोमवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार दिन है। शनिवार के दिन का भी आप परित्याग कर सकते हैं अगर अति आवश्यक नहीं है तो। शुभ तिथियों की बात करें तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी की तिथि शुभ होता है। इनमें त्रयोदशी की तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है, अलावा एकादशी की तिथि भी शुभ होती है विवाह हेतु। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त और गोधली बेला सबसे शुभ माना जाता है। लग्न राशि की बात करें तो जब सूर्य मिथुन, कन्या और तुला राशि में लग्न में रहे तो फिर बहुत ही शुभ माना जाता है। तारा की बात करें तो गुरु और शुक्र दोनों का उदय होना बहुत जरूरी है। दोनों तारा अगर उदय रहता है तो जातक के विवाह के योग शीघ्र बनते हैं और इस तारा उदय होने पर ही विवाह करना श्रेष्ठ होता है। सूर्य भ्रमण की बात करें तो मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि में सूर्य का गोचर करना शुभ माना जाता है और इस परिस्थिति में विवाह करनी ही चाहिए। शुभ नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी, मृगशिरा, मघा, उत्तर फागनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तर साढ़ा, उत्तर भाद्र, रेवती आदि शुभ नक्षत्र है। शुभ करण की बात करें तो बाबा, करणी, कौलभ, तैतिल, गारो, वनिज आदि शुभ करण। शुभ योग की बात करें तो प्रीति योग, सौभाग्य योग, हर्षण योग ये शुभ योग है और इनमें विवाह करना उत्तम माना। तो प्राथमिक जानकारी दी है, मैं आपको राशि बता देता हूँ मेष से लेकर मीन तक। तो आने वाले समय में तो मेष राशि प्रथम है। मेष राशि के जातकों के जून महीने में सगाई के योग रहते हैं, शादी के भी योग रहते हैं। तो वर्तमान समय में चूंकि जून महीने में किसी प्रकार का लग्न नहीं है तो जुलाई महीने में हो सकता है। वहीं ऐसे जातक जो पंजाब और वहाँ आसपास के क्षेत्रों के, उनके अक्टूबर में यानी नवरात्रि में विवाह के योग बन रहे हैं अगर आप मेष राशि के जातक है। तो वर्तमान यानी कि जुलाई महीने में, और जुलाई महीने में अगर विवाह नहीं हो तो फिर आपके नवरात्रि में भी विवाह के योग है या उन दिनों में आपके सगाई के योग 100% बन रहे हैं अगर आप मेष राशि के जातक। बात करें नाम अक्षर की तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आपका विवाह हो सकता है। विवाह कुंभ, कर्क, धनु और मीन में से किसी एक राशि से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ, कर्क, धनु और मीन। अगली जो राशि है वृषभ राशि है। अगर वृषभ राशि के जातक हैं, आपकी आयु जो है वो 23 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य है, आपके विवाह के योग हैं वर्ष 2024 में। महीने की बात करें तो जुलाई का महीना जो है शुभ है, इस महीने में योग बन सकते हैं, इसके बाद जो है नवम्बर दिसंबर में ही बन सकते। बात करें नाम अक्षर की तो टी नाम के जातक, एच नाम के जातक, पी नाम के जातकों से प्रस्ताव आ सकता है या प्रस्ताव लेकर जा सकते हैं इन नामों पर, और इनमें से ही किसी एक नाम के जातक से वृषभ राशि के जातक के विवाह के योग अधिक रहते हैं। मकर राशि से विवाह करना श्रेष्ठ है। अगली जो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो जातक 24 से लेकर 29 वर्ष के मध्य है, मिथुन राशि के जातक है, उनके लिए शुभ समय है। जून के महीने में सगाई के योग हैं आपके, यानी कि रिश्ते आ सकते हैं और इस दौरान आपके रिश्ते तय हो सकते हैं क्योंकि शुक्र का भी गोचर जो है मिथुन राशि में होगा। इसके अलावा सूर्य का भी गोचर मिथुन राशि में होगा, तो सूर्य शुक्र का जो है सुप्रभाव मिथुन राशि के जातकों पड़ेगा। बात करें आपको करना क्या है तो भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना कर सकती है लड़की है तो, वहीं भगवान शिव की पूजा लड़के करें। कुंभ और सिंह राशि से में से जो बेहतर हो उनमें से आप परिणय सूत्र में बन सकते। एसटीबी नाम के जातकों में से किसी एक नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बनने के योग है। आर नाम के जातक, जी नाम के जातक से भी योग। कर्क राशि, तो अगर आप जन्मदिन से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आपका नाम अक्षर एच यानी ह से है तो आपकी शादी 25 से लेकर 30 वर्ष के मध्य है। विवाह के योग जो है साल 2024 में अब नवंबर में ही है, हालांकि जुलाई में आपके रिश्ते तय हो सकते हैं। कई ऐसे जातक है जिनके जुलाई में भी विवाह के योग है। शीघ्र विवाह के लिए जो आपको करना क्या है, क्योंकि आपके राशि स्वामी चंद्रदेव है, आराध्य जो है भगवान शिव जी है, तो भगवान शिव जी का रोजाना अभिषेक करें। तथा शक्ति तथा भक्ति, आप सामान्य जल गंगा जल से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते। सिंह राशि, तो सिंह राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है। बात करें अगर आप जन्मदिन से देखते हैं तो अगर 26 वर्ष से 31 वर्ष के मध्य जातक है, उनकी शादी सिंह राशि के नहीं हुई है, तो उनके लिए ये वर्ष ही अनुकूल होता है और इस वर्ष में ही विवाह के योग बनते हैं। तो 26 से लेकर 31 वर्ष के मध्य जो भी सिंह राशि के जातक है उनके विवाह के योग है। बात करें महीने की तो जुलाई, अक्टूबर, नवंबर ये तीन महीने शुभ है, यानी कि नवरात्रि में भी विवाह के योग है। अगले महीने यानी कि जुलाई में भी योग है और उसके पश्चात 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के मध्य विवाह। आपके विवाह के जो नाम अक्षर है वो एम के एस जी नाम के जातक से है, तो इनमें से किसी एक नाम के जातक के साथ आप कन्या सूत्र में बन सकते हैं। मिथुन राशि से विवाह करना श्रेष्ठ करो। अगली राशि कन्या राशि है, तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग वर्तमान समय में, क्योंकि
केतु का गोचर हो रखा है और 27 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य जो भी कन्या राशि के जातक है उनके पन्ने सूत्र में बंधने के योग प्रबल है। क्योंकि कन्या राशि के जातक धार्मिक स्वभाव के होते हैं और एक बार अपने पैर पर खड़े होने के पश्चात ही पन्ने सूत्र में बंधना चाहते हैं या अपने जीवन साथी को पैर पर खड़े होने के बाद ही पन्ने सूत्र में बंधना चाहते हैं, तो इस कारण जो है कन्या राशि के जातकों के विवाह में बाधा आती है। जुलाई का महीना इनके लिए शुभ है, यानी जुलाई के महीने में आपके पन्ने सूत्र में बंधने के सगाई और शादी होने के योग है। शीघ्र विवाह के लिए जो आप गणेश जी की पूजा अर्पण अर्चना करें, आप भगवान गणेश को मालपुए अर्पित कर सकते हैं। नाम अक्षर की बात करें तो ई नाम जातक, एस नाम जातक, डी नाम के जातकों पन्ने सूत्र में बंधने के योग। इसके अलावा तुला राशि के जातक है, अगर तुला राशि के जातकों की बात करें तो 20 से लेकर 31 वर्ष के मध्य जातकों के विवाह के योग हो जाते हैं और इस दौरान उनकी शादी भी हो जाती है। बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातकों में से किसी एक नाम के जातक के साथ आपके लिए शुभ योग है। नवंबर और दिसंबर का महीना तुला राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहा है। सी राशि से विवाह करना श्रेष्ठकर होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल भर विवाह के योग है। गुरु के उदय होने से आगामी महीने में यानी जुलाई महीने में उसके पश्चात नवंबर दिसंबर महीने में वृश्चिक राशि के जातक के 100% योग। आपको करना क्या है, भगवान शिव जी की पूजा उपासना करनी है, आपके लिए शुभ योग है। सिंह राशि से विवाह करना श्रेष्ठकर होगा अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं। अगली जो राशि है वो धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए बात करें तो इनके आराध्य जो है भगवान विष्णु जी हैं और अगर भगवान विष्णु जी के शरण चरण में रहते हैं तो धनु राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनता है। नवंबर का महीना शुभ है आपके लिए। नवंबर के महीने में आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं और उस महीने में आप पन्ने सूत्र में बन सकते हैं। बुधवार को भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। अगर बात करें राशि की तो मेष राशि से विवाह करना श्रेष्ठकर होगा अगर आप धनु राशि के जातक हैं। उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं अगर आप धनु राशि के जातक। मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग है। 7.5 का अंतिम चरण है जब शनि मार्गी होंगे तो 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के मध्य आपके विवाह के योग है। उसके पश्चात फिर 9 जुलाई जनवरी से लेकर मार्च के मध्य आपके विवाह के योग बन रहे हैं अगर आप मकर राशि के जातक हैं। शीघ्र विवाह के लिए शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को जल में सफेद फूल डालकर अर्घ दें। इसके अलावा भगवान शिव का जो भी आप दुग्धाभिषेक करें तो इससे भी आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा अगर आप मकर राशि के जातक। मिथुन राशि से विवाह करना श्रेष्ठकर होगा अगर आप मकर राशि के जातक हैं। कुंभ राशि मीन राशि के जातकों से भी विवाह करना श्रेष्ठकर होगा। वहीं बात करें कुंभ राशि के जातकों की तो कुंभ राशि के जातक के विवाह के योग 22 से लेकर 29 वर्ष के मध्य होते हैं। जो इस योग के जातक हैं उनके विवाह के योग हैं अक्टूबर नवंबर में ही यानी कि नवरात्रि में और इसके पश्चात नवंबर 15 से लेकर दिसंबर 15 के मध्य जो है विवाह के योग हैं। भगवान शिव जी की पूजा उपासना आराधना करें आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। बात करें नाम अक्षर की पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, ई नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक। अंतिम जो राशि है वो मीन राशि के जातक है। अगर आप मीन राशि के जातक है तो उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के योग है। भगवान विष्णु जी की उपासना आराधना अवश्य करें। इसके अलावा वर्तमान समय में राहु का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बना रहा है। तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक, वी नाम के जातक, पी नाम के जातक, आर नाम के, 6 नाम के जातक हैं। उनमें से किसी एक जातक के साथ आप कन्या सूत्र बन सकते हैं। अगर बात करें विवाह की तो मेष राशि से विवाह करना आपके लिए, तो यह तो जानकारी मैंने आपको मेष से लेकर मीन तक दी। अगर जानकारी देने में अपने अनुसार किसी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि रह गई तो मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देनी थी। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ले इजाजत दें, नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। आप जहां रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, माता रानी कृपा आप पर बरसती रहे, सौ परिवार सुखी एवं स्वस्थ रहे, यही हमारी कामना है। जय श्री राधे दोस्तों।